एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अभी सोकर उठी हूँ और मैंने सोचा आज अपना ब्लॉग शेयर शुरू करते हैं। गला सुना सुना लग रहा है क्योंकि मेरी बेटी ने चेन खींच ली मेरी तो कोई बात नहीं, अभी उसको पहन लूँगी सारा काम करने के बाद। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो आज का ब्लॉग मॉर्निंग से शुरू हो रहा है और अभी बज रहे हैं 6:30। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, पहले 6 बजे उठ जाती थी, आज थोड़ा सा लेट हूँ। कोई बात नहीं, एक दिन आगे पीछे होता रहता है। तो अभी ब्रश भी नहीं किया है मैंने, बस सोकर उठी हूँ और कैमरा ऑन कर लिया है आप लोगों से बात करने के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ ब्रश करने, पानी पीऊँगी, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पर हो रहा है मेरा ब्रश और हो चुकी है मेरी मॉर्निंग, तो जो है ब्रश कर लूँगी और उसके बाद। आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि जो है लेट से सोई थी ना, इस वजह से लेट हो गया है। और मैं रोज़ जो है आप लोग को अपना डेली लाइफ रूटीन दिखाती हूँ, मॉर्निंग रूटीन दिखाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग को जो है वीडियो कैसी लगती है, आप लोग कभी भी कमेंट में नहीं लिखते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखा करिए ताकि मुझे पता चल सके आप लोग को वीडियो पसंद है और कैसी वीडियो आपको चाहिए, मुझे ये भी पता चल सके। तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और यहाँ पर मेरा बेटा जो है वो खेल रहा है तो उसकी भी आवाज़ आएगी, थोड़ी सी फ़ैन की भी आवाज़ आएगी क्योंकि फ़ैन ऑफ़ करूँगी तो वो थोड़ा सा रोने लगेगा क्योंकि तो गर्मी उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, तो फ़ैन बंद करी हूँ। तो भी ब्रश हो चुका है और अब जा रही हूँ पानी पीने और उसके बाद फिर जो है बहुत सारे काम हैं जो कि भी करने हैं मुझे। और लग रहा है पसीना हुआ है, पसीना बिल्कुल भी नहीं हुआ है, मैंने जो है ब्रश किया है, मुँह धुला है, बस उसको पोछा नहीं है अभी पानी को, तो पोछूंगी भी नहीं, ऐसे सूखेगा। थोड़ा सा ठंडा ठंडा ना अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ब्लॉग शुरू हो चुका है, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और फटाफट पानी पी लूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से। थोड़ा सा गर्म कर लूँ क्योंकि मैं मॉर्निंग में एक ग्लास गर्म पानी जरूर पीती हूँ, आप लोग को पता ही है। तो चलिए हो गया गर्म फटाफट। चश्मे में पानी चला गया, दिखाई नहीं दे रहा था। तो चलिए मैं पानी पी लूं और उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये देखिए पानी वगैरह पीने के बाद फिर से मेरा शुरू हो चुका है काम। और यहाँ पर किचन में मैं लगा रही हूँ झाड़ू, मॉर्निंग वाला ना जो है सारा काम ऐसे ही मेरा होता है। यहाँ पर देखिए मैंने भिंडी जो है उसको धुल कर रखा हुआ है क्योंकि आज नाश्ते में बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी और पराठे। तो मैंने सबसे पहले फिर से भिंडी निकाला और उसको अच्छे से वॉश करके रख दिया है बस, ताकि झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर उसको फटाफट मैं कट कर लूँ और नहा के आऊँ, फिर फटाफट सब्जी पराठे बना दूँ ताकि पति देव खाकर चले जाएँ। अभी क्या कर रहे हो बेटा? और यहाँ पर मेरा बच्चा है जो मेरा बाल के पीछे पड़ा हुआ है, वो चिताने हो जा रहा। लो यहाँ यहाँ बोलो, कह दो दे दो, बोलो। तो इस टाइम इनका चलता है दे दो दे दो, बोलोगे नहीं? यहाँ पर देखिए अभी मॉर्निंग हो रहा है, मेरा बच्चा देखिए कैसे सो रहा है, क्यूटू मेरा मेरा लॉर्ड और कैसे सो रहे हैं। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू तो बहुत धीरे धीरे मैं काम करती हूँ जब ये सोता है। तो जो है अभी पतिदेव उठ चुके हैं, वो छत पर थोड़ा सा टहलते हैं उठने के बाद और मैं भी टहलती हूँ, लेकिन इस टाइम पर नहीं टहल रही हूँ। जिस तरह जिस टाइप से मुझे जैसे मुझे टाइम रहता है ना उस हिसाब से मैं करती हूँ। तो आज थोड़ा सा मुझे लेट हो रहा था, तो मुझे ना थोड़ा सा लेट हो रहा था इसकी वजह से मैं टहलने नहीं गई। तो बस इसीलिए मैंने सोचा फटाफट पहले अपना काम ख़त्म करती हूँ, उसके बाद टहलना तो बाद में भी हो जाएगा। तो अभी मेरा झाड़ू लग चुका है और ज़्यादा कपड़े नहीं हैं आज, तो कपड़े वगैरह नहीं धुलने हैं। और अब मैं जा रही हूँ नहाने और उसके बाद फिर जो है मिलती हूँ आप लोगों से। तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं ना जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मन करता है कि हाँ वीडियो वगैरह बनाओ। और कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं ना जिनका समझ में नहीं आता मुझे कुछ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबका नहीं जान सकते हम, सबके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और कोई इंसान सुख देता है, कोई इंसान दुख देता है, कोई इंसान अच्छा होता है, कोई इंसान बुरा होता है।
सब में सब हर प्रकार की क्वालिटी होती है, तो किसी को कुछ नहीं कह सकते। और ये सब मेरा काम है और ब्लॉग बनाना मुझे पसंद है, तो मैं बनाऊंगी चाहे कोई जो भी कहे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, अब नहाने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। एवरीवन, गुड आफ्टरनून, हाय हाय, अभी आए तो मैं मिली थी आप लोगों से मॉर्निंग में, और अभी हो रहा है आफ्टरनून का टाइम। तो मैं बनाने जा रही हूँ दाल चावल, और थोड़ी सी थ्रेडिंग जो है वो बढ़ चुकी है, तो इसको सही करवाना है। देखेंगे कब सही करवाते हैं, अभी मुझे खुद नहीं पता है। तो अभी हो रहा है आफ्टरनून का टाइम, मैं मिली थी आप लोगों से जो है मॉर्निंग में, और अभी जो है मैं बनाने जा रही हूँ दाल चावल दोपहर का लंच, और उसके साथ बनाऊंगी मैंगो की चटनी, आम की चटनी, आम और पुदीने की चटनी। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। आओ, आ जाओ, तुम भी आ जाओ किचन में, आ जाओ भाई, आ गए भाई, अरे मेरे क्यूटी बेटे। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ दाल, और चावल नहीं बनाऊंगी, दाल और रोटी हो जाएगी। मैं दाल खा लूँगी और लीजा के लिए 2-3 रोटी बना दूँगी, बस हो जाएगा, और उसके बाद फिर देखते हैं। और ट्रेन बहुत ज़्यादा आती जाती रहती है, तो ट्रेन के बाद बहुत ज़्यादा आएगी। तो बस, जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद है उनके लिए थैंक यू सो मच, और जिन लोगों को नहीं पसंद है उनके लिए भी थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोग देखते हो तो कमेंट्स भी अच्छे करो। और देखिए, अभी जैसे मैंने कहा, इंसान की जो है हर तरीके के होते हैं इंसान, सबकी अपनी अपनी राय होती है, लेकिन प्लीज़ कमेंट अच्छे करो। और देखो, इंसान की दवा है, कोई इंसान सुकून देता है, कोई दुख देता है, बहुत सारे तरीके के इंसान होते हैं, और मैं भी उसी में से एक हूँ। और देखिए, देखने का नज़रिया होता है अपना अपना, कोई किस तरीके से होता है, कोई किस तरीके से होता है। तो बस ये दुनिया है, अपना अपना नज़रिया है, सब जी रहे हैं अपने तरीके से, कोई सुकून देगा, कोई परेशान करेगा, कोई दुख देगा, कोई किसी को खुश नहीं देख पाएगा, कोई किसी को खुश देख पाएगा। तो हर तरीके के इंसान यहाँ पर हैं, उनका हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और मैं अपने आप को बहुत अच्छी नहीं बता रही हूँ, मुझ में भी कुछ ना कुछ कमियाँ होंगी जो दूसरों को दिखती होंगी, और अपनी कमी कहाँ किसी को दिखती है, दूसरों की ही सबको दिखती है। तो जिस दिन इंसान अपनी कमी देख लेना, उस दिन समझिए वो उससे अच्छा कोई है ही नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, और प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिए, और अगर अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, और वीडियो में कोई भी कमी हो तो वो भी मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगी उसको दूर करने की। और प्लीज़ 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 वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करना। तो बस चलिए, यही थी मेरी आज की वीडियो। फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी होगी ना तो लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। और बस, चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए, इस वीडियो का एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।